बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर। आइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चिकन बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने चिकन ली है, हाफ के जी मैंने ली है ब्रेस्ट का पीस, उसके मैंने बोनलेस क्यूब्स बना ली हैं, और मैंने 1 पाव के करीब ली थी थाइस का पीस, उसके भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। इनको हम जो है चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे सारी, मैंने और डाल लूँगी मैं। इस तरह से करके मैं सब डाल लूँगी। पीसेस मैंने छोटे छोटे बनाए थे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से पीस जाए। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल दूँगी, नमक 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, पार्सले हम डाल देंगे ड्राइड 1 टीस्पून, सोया सॉस डाल दूंगी मैं 1 टेबल स्पून, एक अदद अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से चॉप हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस तोड़ के ऐड कर दूंगी और हम इसको फिर से चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ब्रेड भी चिकन के अंदर चॉप हो चुकी है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे, यानी कि पेटी बना लेंगे इसकी, बर्गर की। अब मैं अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से और छोटे छोटे पीसेस लेके कबाबों को शेप दे लूँगी। चाहे तो आप बड़े बड़े बना लें, चाहे तो आप छोटे छोटे बना लें, जिस तरह से भी आपको शेप देनी हो आप दे सकते हैं। इस तरह से अब मैं एक बड़ा सा पीस बना लूंगी, ऑयलिंग कर लेंगे हाथों पे ताकि चिपके ना ये। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूंगी इसके। हमारी चिकन की पेटी रेडी हो गई है। अब मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर मैं इसको अभी से फ्राई करना शुरू कर दूंगी तो ये बिखर जाएंगे, इसलिए हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज ज़रूर करेंगे। कबाब बनाने के लिए हाथों पे ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर चिपकेगा हाथों के ऊपर, कब बिल्कुल भी कबाब इसके नहीं बनेंगे। और ट्रे में रखते हुए भी या किसी भी प्लेट में रखते हुए भी आपने नीचे ऑयलिंग कर देनी है ताकि हमारे जो कबाब हैं वो जो ट्रे के ऊपर चिपक ना जाए। चिकन पैटी को हमें फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। मैंने ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं 1 बाउल के अंदर और मैं एक बैटर रेडी करूंगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगा मैदा 1 कप, 1 प्याली या 1 कप मैदा, कॉर्नफ्लावर 6 टेबल स्पून, ये 12 टेबल स्पून मैंने लिया है, चावल का आटा 6 टेबल स्पून, मैंने चावलों को 1 मुट्ठी चावल लेके मैंने चॉपर के अंदर पीस लिए थे, और ये है नमक 1 टेबल स्पून और काली मिर्ची पिसी हुई 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर।
मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। और लास्ट में मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और पानी ऐड कर लूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे हम। हमने एक बैटर बनाना है, थोड़ा थिक सा, थोड़ा सा थिन सा, जिसमें हमारी जो पैटी है चिकन की वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसके अंदर मैं और पानी ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी मैंने लिया है। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे ताकि बैटर हमारा एकदम ही ज़्यादा पतला ना हो। अभी भी ये हमारा बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर और ऐड कर दूंगी। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट बना है। हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए था। अब हम इसकी सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिए और मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। चिली सॉस ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून। नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून। और एक चुटकी के बराबर मैं इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये चिकन की पैटीज जो मैंने बनाई हैं ये जो हैं कितनी ज़्यादा हार्ड हो गई हैं। इसी तरह की मुझे हार्ड चाहिए थी, मैंने 2 आवर्स के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था। विंटर का सीज़न है तो ये 2 घंटे के अंदर आराम से इतनी हार्ड हो गई हैं, लेकिन अगर गर्मी के सीज़न में आप बनाएंगे तो आप इसको 5 से 6 घंटे के रखिएगा और देख लीजिएगा कि इतनी हार्ड आपकी हो गई है कि टूट ना रही हो। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर बर्फ़ है हल्की हल्की। अब हम इसको इस तरह से डिप कर लेंगे इसके अंदर कि बिल्कुल भी देखें डिप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल टूट नहीं रही और जो है ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो गई है। अब मैं इसको चिकन के बैटर के अंदर डाल लूँगी। देखिए हमने इतनी हार्ड रखी है लेकिन फिर भी ये थोड़े से जो हल्का गरम टाइप का बैटर है उसके अंदर गई है तो ये फौरन ही नरम पड़ना शुरू हो गई है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा कि हमने इसको ज़्यादा बर्फ़ वाला कर लिया है और अब ये ऑयल के अंदर जाके सही से फ्राई होगी या नहीं होगी, अंदर से कच्ची ना रह जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में कर लिया है और मैं इसको साइड पे रख लूँगी। सीधा से मैं सारी अपनी जो चिकन की पैटी है वो रेडी कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने 4 पैटियाँ रेडी कर ली हैं। अब मैं इनको 10 मिनट्स के लिए और फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जो इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम और बैटर लगाया ये भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाए इसके ऊपर, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम अपनी चिकन पैटी को फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। मैं एक उठाऊँगी पैटी और उसको डाल दूंगी। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू स्लो रखी हुई है, ये करके हम फ्राई करेंगे ताकि ये जल्दी जल ना जाए।
एक वक्त में एक फ्राई करेंगे तो ये अच्छी सी फ्राई होगी। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए हो गई है हमारी एक साइड से अच्छी तरीके से। फ्लेम मेरी जो है मीडियम टू स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी चिकन पैटी रेडी हो गई है। मैं इसको निकाल लूँगी, ऑयल को अच्छी तरह से इस तरह से निकाल के, और फिर मैं इसको किसी टिश्यू पेपर पे रख लूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह से हमारा और एब्जर्व हो जाए। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी भी फ्राई कर लूँगी, सारी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब मैं लूँगी एक अदद बन, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसे फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही लिया है। अब जो इसका नीचे वाला पीस होगा उसके ऊपर मैं जो मैंने सॉस रेडी करी थी मैं वो लगा दूँगी। पूरे बन के ऊपर अच्छी तरह से मोटी सी लेयर लगा देंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं इसके ऊपर एक सलाद का पत्ता रख दूंगी। और मैंने इसी मायनीज के अंदर, जो मैंने मायनीज की सॉस रेडी की थी उसके अंदर मैंने बंद गोभी कटिंग करके ऐड की थी, मैं वो रख दूंगी इसके ऊपर। दो टमाटर के स्लाइस रख देंगे और एक चिकन पैटी हम इस तरह से करके रख देंगे। इसके ऊपर मैं एक चीज़ स्लाइस रख दूंगी, बर्गर चीज़ स्लाइस मैंने लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप डाल देंगे और थोड़ी सी जो मैंने सॉस रेडी की थी वो मैं इसके ऊपर और डाल दूंगी। इस तरह से ये देखिए हमारा बन रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सारे बन रेडी कर लूंगी। चिकन पैटी बर्गर हमारे रेडी हो गए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।